हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री यानी ओपी चौटाला, जो खुद शिक्षक भर्ती घोटाला में फंसे, अब जाकर 10वीं की परीक्षा पास की है। उम्र करीब 86 साल की है और एक पेपर के चक्कर में 10वीं पास नहीं कर पा रहे थे। एक पेपर के चक्कर में ही ओपी चौटाला के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई, वो रही 12वीं के रिजल्ट को लेकर। क्योंकि ओपी चौटाला 10वीं में सभी पेपर में पास नहीं हुए थे, लिहाजा उनके 12वीं के रिजल्ट को भी रोक दिया गया। अब 10वीं पास हो गए हैं तो लगे हाथ 12वीं के रिजल्ट की भी खुशखबरी जल्द ही मिल सकती है। ओपी चौटाला दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ओपी चौटाला के नेतृत्व में हरियाणा में इनेलो ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन जेबीटी भर्ती घोटाला में ओपी चौटाला दोषी पाए गए। इसी घोटाले में ओपी चौटाला सजा भी काट रहे थे। सजा के दौरान दिल्ली के तिहाड़ जेल से ओपी चौटाला ने 10वीं की परीक्षा दी और इस परीक्षा में ओपी चौटाला को 53.40% मार्क्स भी आए। लेकिन एक सब्जेक्ट का एग्जाम ओपी चौटाला ने नहीं दिया था। 2021 में ओपी चौटाला ने 12वीं की परीक्षा हरियाणा ओपन बोर्ड से दी थी, लेकिन नियमों के कारण ओपी चौटाला का रिजल्ट रोक लिया गया, क्योंकि ओपी चौटाला ने 10वीं का अंग्रेजी का पेपर नहीं दिया था। जब 12वीं का रिजल्ट रुका तो ओपी चौटाला ने 10वीं के अंग्रेजी की परीक्षा भी दी, जिसके बाद अब 88 मार्क्स के साथ ओपी चौटाला पास हो गए हैं। अब इंग्लिश के पेपर की मार्क्स को भी जोड़ लिया जाए तो ओपी चौटाला फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए हैं, क्योंकि बिना इंग्लिश के एग्जाम के ही 10वीं में ओपी चौटाला के टोटल मार्क्स 53.4% रहे। अब जब अंग्रेजी के 88 नंबर को भी जोड़ लिया जाए तो ओपी चौटाला के लिए खुशखबरी आ गई। कुल मिलाकर देखें तो अंग्रेजी का विषय ओपी चौटाला के लिए खुशखबरी लेकर आया है। एक तो 10वीं में फर्स्ट क्लास पास हो गए और दूसरी ओर 12वीं का रुका हुआ रिजल्ट भी आ जाएगा।